नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग हमेशा कमेंट में लिखते थे कि साइंस टेक और पर्यावरण का कोई भी, जैसे हम लोग करंट अफेयर्स का एक्सप्लेन लाते हैं, बाकी सारे विषयों का लाते हैं, तो इस तरीके का विज्ञान और पर्यावरण का एक्सप्लेन क्यों नहीं आता है। तो देखिए, आपके कहने के बाद बायजूस आईएएस की तरफ से, जैसा मैंने पहले भी आपको बोला था कि इस नए साल आपको बहुत सारे इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे नए, और आपकी डिमांड पर इस इनिशिएटिव को भी आज से स्टार्ट किया जा रहा है। तो अब एक टाइम टेबल अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा कि हर 15 दिन में, ठीक है, हर महीने में 2 लेक्चर्स आपके साइंस टेक यानी कि विज्ञान के और पर्यावरण के आयोजित करे जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली वो संडे को ही आयोजित करे जाएंगे रात्रि 8 बजे यूट्यूब पर। तो आज इसी श्रृंखला का पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो लेक्चर हमारा रहेगा, ये बेसिकली फोकस रहेगा 1 जनवरी से लेकर और 14 जनवरी 2023 तक के जो भी साइंस और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं, उस पर हम लोग ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। तो बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। टोटल 6 टॉपिक्स हैं सब कुछ मिला के, उन टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा मेरे साथ, जो भी चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो लिखते चलिएगा। बीच बीच में आपको ये भी बताऊंगा कि साइंस टेक को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये अगर करंट में न्यूज बना है तो यूपीएससी किस तरीके का प्रश्न इस न्यूज से पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको जानने को मिलेंगी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ करंट अफेयर्स हम लोग इसके देखेंगे जो इस 15 दिनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग पर्यावरण के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहला दी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग का है, उसका नाम है डार्क पैटर्न। बहुत बार अगर आप द हिंदू समाचार विश्लेषण को फॉलो करते होंगे तो बहुत बार द हिंदू के अंतर्गत इस टॉपिक पे आर्टिकल्स आए हैं। डार्क पैटर्न बेसिकली है क्या? देखिए, पहली चीज तो इतना समझ लीजिए कि यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न आपके सामने दिया जा रहा है और उसका कलर डार्क होगा, या उस पैटर्न को स्पेशली कोई नाम दिया गया है कि भाई ये रहा डार्क पैटर्न। नहीं, ऐसा कोई प्री स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं है। यहां पर डार्क पैटर्न जो है, इसको आप समझिए कि ये एक टाइप का होता है ना, कि जिस तरीके का आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आप लोग इंटरनेट नॉर्मली यूज करते हैं, तो जहां पर भी धोखाधड़ी की बात आती है, किस तरीके की धोखाधड़ी, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बताता हूं आपको छोटे छोटे से कि ये देखिए, ये द हिंदू का आर्टिकल है तो इसको आप देख सकते हो किस तरीके से डार्क पैटर्न जो था वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया। यूएसए के अंदर भी ऑल ओवर वर्ल्ड की मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा मात्रा में हाईलाइट किया। बट बात यह आती है कि किस टाइप की धोखाधड़ी की यहां पर बात होती है, किस टाइप की फेक चीजों की यहां पर बात होती है। जैसे एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इन सब ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं, यहां पर आप शॉपिंग करने जाते हो तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई शॉपिंग में आपने कोई चीज सेलेक्ट करी, फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई शूज पसंद आ गए, बहुत अच्छे शूज थे, आपको बहुत अच्छा लगा, अब आप चाहते हो कि इसको परचेज करना चाहते हो। आप क्या करते हो कि उस ऑनलाइन की वेबसाइट है जो, या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, तो वहां पर जब आप उस अपने प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं तो वहां पर कभी कभी लिखा क्या होता है, लिखा होता है ऐसे करके, ओनली 2 लेफ्ट या ओनली 1 लेफ्ट। मैं किसी वेबसाइट को, ऑनलाइन शॉपिंग की ऐप को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पर बता रहा हूं जनरली ऐसा पाया गया कि यहां पर इस टाइप का जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं, एक्चुअली में इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 ही पीस वहां पर बचे हुए हैं, आप जल्दी से इसको परचेज कर लो। क्या बोला जा रहा है आपसे? आपसे बोला जा रहा है कि क्विकली परचेज करिए आप इसको। इससे होगा क्या, जो भी उनके पास स्टॉक बचा है वो जल्दी से जल्दी बेचना चाहते हैं। बट एक्चुअली में देखा गया कि उनके स्टॉक में, यानी कि जो भी वेबसाइट से आप ये शॉपिंग कर रहे हो, उनकी वेबसाइट में बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रोडक्ट के जो स्टॉक थे वो अवेलेबल थे। बट वो शो क्या कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि यहां पर ओनली 2 लेफ्ट, ओनली 1 लेफ्ट, जल्दी से आइए आप परचेज करिए। तो एक तरीके से आपको क्या करा जा रहा है, यहां पर कंफ्यूज करा जा रहा है, आपको एक भ्रम में रखा जा रहा है, आपको थोड़ा सा आपके ऊपर, हाँ ये भी एक शब्द यहां पर लिखिएगा, आपको क्या करा जा रहा है, आपको प्रेशराइज्ड करा जा रहा है, ठीक है, आप पर दबाव बनाया जा रहा है। उसको लगता है कि मे बी क्या करो, आपने केवल ऑनलाइन, जैसे विंडो शॉपिंग होती है, आपने ऑनलाइन आप कोई भी ऐप खोलते हो, उसमें 10 प्रोडक्ट सर्च करते हो, आपको पसंद आया तो खरीदते हो, नहीं पसंद आया तो मान लो खरीदने का मन भी है, फिर भी आप सोचते हो हटाओ आज नहीं कल खरीदेंगे, कल नहीं परसों खरीदेंगे, अब भी आप मूड चेंज हो गया है, तो उसमें तो सामने वाले का लॉस है, सामने वाला तो चाहते ही कि भाई आप ज्यादा शॉपिंग करिए, तो उसका पैसा बनाना है। तो यहां पर ये चीजों के द्वारा वो आपको क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं।
गलत इंफॉर्मेशन देके कि भाई ओनली टू लेफ्ट, जबकि उनके पास बाकायदा पूरा स्टॉक रखा हुआ है। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए। हो सकता है कि आज आपने सोचा है कि ये शूज अच्छे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, कल को आपको पता चले कि भाई किसी और वेबसाइट में जाके आप उस शूज़ के बारे में रिव्यू पढ़ो कि नहीं वो तो इतने महीने में उसमें क्रैक पड़ गया या उसकी जो पॉलिश थी वो चली गई। तो जब आप रिव्यूज़ पढ़ते हो तभी आप प्रोडक्ट लेते हो, बट वो कंपनी क्या कर रही है, आपको रिव्यूज़ पढ़ने का भी टाइम नहीं दे रही है। वो नहीं चाहती कि जो कस्टमर उसकी वेबसाइट पे या उसकी ऐप पर आए हैं वो बिना खरीदारी करे वापस चले जाएं। आए हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओगे, ग्रैंड मास्टर गोगो वाली हाल है, आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। तो इस टाइप की जो फिलॉसफी यूज करते हैं, तो इस टाइप का जो फेक जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना, यहां पर फेक बरगलाने का प्रयास करना, यहां पर ट्रिकिंग करने का प्रयास करना, एक प्रेशराइज करने का प्रयास करना, ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं बेसिकली इसको बोलते हैं डार्क पैटर्न। ये तो भाई यहां पर एक तरीका हो गया इस चीज का, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जैसे आप यूट्यूब वगैरह में वीडियोज वगैरह देखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने एकदम से यूट्यूब खोला या कोई भी वेबसाइट खोली तो एकदम से पॉपअप आता है, ठीक है। या मान लीजिए आपका कोई एग्जाम वगैरह है, आप कोई टॉपिक पे कोई लेक्चर सर्च करना चाहते हो यूट्यूब वगैरह में, ठीक है, आप या कोई विकिपीडिया में कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो, गूगल पे मान लीजिए 5G के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, बट आपको आप जैसे ही उस वेबसाइट पे आप क्लिक करते हो, जैसे उस वीडियो पे क्लिक करते हो, तो कभी कभी आपके पास मैसेज आता होगा कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन करना है, या पहले हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। हाँ, हालांकि उस लॉगिन का, उस सब्सक्राइब का यहाँ पर नो फीस है, उसका कोई पैसा आपको यहाँ पे नहीं करना है, बट ऐसी शर्त तो आपके सामने आ जाती है। फिर आप क्या करते हो, अब चूंकि वो टॉपिक, वो जो विषय है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना है, तो आप क्या करते हो, तुरंत खटखट लॉग इन कर लेते हो। लॉग इन करने के बाद असली स्टोरी शुरू होती है। अब वो क्या करेगी, वो वेबसाइट के पास आपकी डिटेल्स आ जाती हैं, आपकी ईमेल आईडी से आप अपना लॉग इन करते हो, ठीक है, आपका नाम या जो भी चीजें वहां, मोबाइल नंबर, जो भी चीजें आपसे पूछा जाता है वो सारी उसके पास चली जाती हैं। तो पहला यहां पर चीजें क्या हो गई, पहला आपका जो पर्सनल डेटा था वो उस कंपनी के पास चला गया। दूसरा, वहां पर कंपनी क्या करती है, जब देखती है कि आप फ्रीक्वेंटली उसकी वेबसाइट पर या उसके वीडियोस को आप देखते हो, तो वो क्या करेगी, वो आपसे बोलेगी कि अब देखिए ये चीजें जो है इसका आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि अब आपका जो उद्देश्य था वो खत्म हो गया, अब आप चाहते हो कि हमने जो अपनी इंफॉर्मेशन इसको दी थी हम चैनल को या उस वेबसाइट को अनसब्सक्राइब कर दें। तो जब आप जो अनसब्सक्राइब करने का प्रयास करते हो तो उसका इतना लेंदी प्रोसेस होता है, आपसे ये मांगा जाएगा, एक क्वेश्चन मांगा जाएगा, एक सिक्योरिटी का क्वेश्चन, एक कैप्चा आ जाएगा, दुनिया भर की चीजें वहां पर आ जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि अनसब्सक्राइब का जो ऑप्शन है उसको आप इजिली फॉलो नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो कंपनी ने उस चीज को कॉम्प्लेक्स बना दिया जिससे कि उसे पता है भाई कोई भी अनसब्सक्राइब क्यों करेगा, क्योंकि उसे वो चीज समझ में नहीं आ रही है, या फिर उसे उसका जो भी ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है, तो आप दूर जाना चाहते हो तो कंपनी आपको दूर नहीं जाने देगी, फिर इतना लेंदी प्रोसेस कर देगी, आपको लगता है अरे अब 5 मिनट हमको यही सब करने में लगेगा, हटाओ छोड़ो सब्सक्राइब रहने दो। तो कहने का मतलब है आपका डेटा तो उसके पास चला ही गया, प्लस उसके जो सब्सक्राइबर थे वो भी इनडायरेक्टली उसने बढ़ा लिए, और आपको प्रेशराइज करके, आपको भ्रमित करके, तो इसको भी बोलते हैं क्या, डार्क पैटर्न। अब जैसे कुछ उदाहरण आपको देता हूं, जैसे लिंक्डइन की वेबसाइट है, ठीक है, तो वहां पर इसका उदाहरण है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप चाहते हो कि कई सारे स्पॉन्सर्स मैसेज आते हैं, ठीक है, आप कोई भी यूट्यूब वगैरह खोलते हो, अपना जीमेल खोलते हो, कोई भी वेबसाइट खोलते हो, तो उसमें आप देखते हो अचानक से एक वीडियो आ जाता है, ठीक है, आप देखना भी नहीं चाहते फिर भी आ जाता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो वो सब क्या है, स्पॉन्सर्ड वीडियोज होते हैं, स्पॉन्सर्ड मैसेजेस होते हैं। आप अपना जीमेल देखते हो तो कई बार आपने कभी उस वेबसाइट पर आप गए नहीं हो, एकदम से आपने देखा इनबॉक्स में अरे इसका एयर एशिया का मैसेज आ गया, अरे इसका मैसेज आ गया, अरे उसका मेल आ गया, जबकि आप जानते भी नहीं उनको, आपने कभी उनके वेबसाइट पर क्लिक नहीं करा। तो ये जो स्पॉन्सरशिप वाले मैसेजेस होते हैं जो बल्क में आ जाते हैं, तो अब क्या होता है, इनको आपको उसमें लिखा होता है साफ साफ उस मेल को जब आप खोलोगे कि भाई अगर इनको आप अनसब्सक्राइब करना चाहते हो ना तो इसको क्या करो, फिर ये प्रोसीजर इसको फॉलो करो। तो अब देखो यहां पे जैसे लिंक्डइन का प्रोसेस है, जो मैंने अनसब्सक्राइब का ऑप्शन दिया था, क्लिक मी ऑन आइकन, अपने लिंक्डइन के होम पेज पे जाके यहां क्लिक करिए, फिर सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी में जाइए, कम्युनिकेशन के अंदर जाइए, हु कैन रीच यू इसके अंदर जाइए। अब सोचिए एक जो यूजर है वो कहता है यार मैं तो सरदर्द हो रहा है, मेरा टाइम और वेस्ट हो रहा है, पड़ा रहने दो, ये मैसेज में जो हो गया क्लिक हो गया, पड़ा रहने दो। तो इसके अगेंस्ट में भी क्या हुआ, यूएसए में जो आवाजें थी वो उठी। इसी तरीके से यूट्यूब वगैरह आप देखते होंगे तो कई बार स्पॉन्सर्स वीडियोज जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाते हैं जिनको आप नहीं देखना चाहते हो,
आपने कभी उस चीज को करा नहीं, आप फर्जी, आपको उतना जो एडवर्टीजमेंट है या उतने जो स्पॉन्सर्ड वीडियो है वो देखने पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उतने वीडियोस आपको देखने पड़ते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये सब क्या है, दिस इज कॉल्ड डार्क पैटर्न, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको अमेजोन का एग्जांपल लिया, तो अमेजोन में भी ऐसी ही चीजें चलती थी। यूएसए के अंदर ऐसा देखा गया कि बच्चों के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह थे, वो पहले उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट करे, बाद में उसमें कुछ और पैसा वैसा लगा दिया, फीस लगा दिया। तो वहां पर जो उनके पेरेंट्स थे, तो उन्होंने इस चीज पर ऑब्जेक्शन स्टार्ट किया। जब ऑब्जेक्शन स्टार्ट किया तब जाके अमेजोन ने जो था वो उस चीज को वहां से डिलीट करा, ठीक है। इसी तरीके से और भी कई सारी वेबसाइट्स थी यूएसए के अंदर जहां पर ऐसा देखा गया कि ये लोग कस्टमर को बुला तो लेते हैं, कुछ भी ऐसा चीजें गलत बता के उसको प्रेशराइज करके उसके सामने जबरदस्ती के एड्स वगैरह आ रहे हैं। अब कस्टमर ने गलती से एक जगह पर क्लिक कर दिया, एक वेबसाइट पे भी आपने क्लिक करा तो उस वेबसाइट में ऑटोमेटिकली आपका डिटेल चला गया। आप जो भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री का यहां पर मतलब होता है जैसे आप क्रोम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, तो आप देख सकते हो आपने कौन कौन से पेजेस को वॉच किया है। इसी प्रकार जब आप जैसे मान लो यूट्यूब में आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी में बहुत शौकीन हैं, आप पर्टिकुलर कुछ वीडियोस हैं जिनको आप हमेशा देखते हो, जैसे मान लीजिए जो संसद टीवी है उसको आप हमेशा फॉलो करते हो, तो जब आप हमेशा यूट्यूब खोलते हो तो आप संसद के वीडियोस देखते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप यूट्यूब देखोगे तो उसमें मैक्सिमम आपके वही वीडियोस आपको यूट्यूब शो करेगा जिनको आप फ्रीक्वेंटली हमेशा वॉच करते हो। तो कहने का मतलब है कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को लगातार मॉनिटर कर रही है। इसका मतलब ये हो जाता है ना कि आपका जो पर्सनल जो एक प्राइवेसी होती है उसका ब्रीच कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि आपको वही वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं, आप हमेशा क्रिकेट की क्लिप्स वगैरह देखते हैं, बॉलिंग की क्लिप्स देखते हैं, बैटिंग की क्लिप्स देखते हैं, ठीक है, आईपीएल के शौकीन हैं, तो वही सारे वीडियोस आपके यूट्यूब में आ रहे हैं। आप गाने सुनते हैं या म्यूजिक के शौकीन हैं, गिटार बजाना सीख रहे हैं, तो ऐसे ही वीडियो आपको होम पेज में मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जानबूझ के वही वीडियोस क्या होते हैं दिखाए जाते हैं, और उसमें आपका इंटरेस्ट भी, तो आपका इंटरेस्ट कंपनीज जो हैं वो पकड़ लेती हैं और फिर आपको उसी हिसाब से चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग डार्क पैटर्न। कुछ शर्तों से सहमत होना या कुछ लिंक पर क्लिक करने के लिए ट्रिकरिंग कर रही है, मतलब उनको क्या कर रही है, एक तरीके से बरगला रही है कि भाई देखो ये सारी कंडीशंस हैं, अब आपको अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर पढ़ना है, अब आप मान लीजिए डार्क पैटर्न के बारे में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अब आपने कोई वेबसाइट, आपको लगा अरे बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसका डेटा हम पढ़ते हैं, डार्क पैटर्न ये क्या बताती है कि डार्क पैटर्न क्या होता है, तो उस केस में वहां पर उस वेबसाइट को ऑन करते ही आपके सामने कुछ कंडीशंस आ जाएंगी। वो कंडीशंस क्या करोगे आप, जब तक उस पर टिक नहीं करोगे, जब तक अपनी डिटेल नहीं भरोगे, तब तक वो आगे बढ़ाएगा नहीं। तो आपकी डिटेल भी पहुंच गई, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, आप नहीं करना चाहते थे फिर भी आपने करा, तो ये होता है, ठीक है। जो भी प्रमोशनल ईमेल्स वगैरह होते हैं वो भी आपकी क्या होते हैं, इनबॉक्स वगैरह में आते हैं, तो उनसे भी आपको दिक्कत होती है, ठीक है। यहां पर जो यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस होता है ना, सबसे बड़ा लॉस यहां पर यही होता है कि व्यक्ति को लगता है कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने आसानी से पहले इंटरनेट को यूज करते थे एकदम यूजर फ्रेंडली मैनर में, हम जो चाहते थे हम वही चीजें वॉच करते थे, अब क्या होता है अननेसेसरी हमारे सामने इतना डेटा खुल के सामने आ जाता है और हमको देखना पड़ जाता है, हमको कोई भी चीज में पढ़ने के लिए, कोई भी वीडियो देखने के लिए दुनिया भर के जो स्टेप होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, हम किसी चीज को अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए तो और लंबा प्रोसीजर आ जाता है। तो ये सारा जो इंटरेक्शन है ना यूजर का, यानी कि मेरा और इंटरनेट का, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। दूसरा मैंने आपको प्राइवेसी जो ड्रॉबैक बताया ही है, डेटा ब्रीचिंग का भी ड्रॉबैक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रीच हो सकती है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका नाम। इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जैसे कई सारी वेबसाइट्स होती हैं कुछ पैसे का ऑफर करती हैं कि आप इतने पैसे दोगे तब आप ये कंटेंट पढ़ पाओगे, या फिर आप इतने पैसे दोगे, पहले तो उन्होंने फ्री में चीजें करवा दी, बाद में वो पैसे की डिमांड करने लग जाते हैं, तो ये भी एक क्या है, मतलब अनएथिकल चीज है जिसको बोलते हैं। तो ये जो एक तरीके का प्रैक्टिस होती है, इसको आप अनएथिकल प्रैक्टिस के नाम से बात कर सकते हो कि अनैतिक तरीका है ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको अमेज़न प्राइम का एग्जांपल बताया था, तो इसको भी चीज़ें याद रखिएगा। तो इन पे कैंसिलेशन आपको करना है तो उसका प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस को आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, अनसब्सक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है। चलिए
तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया ये डार्क पैटर्न था, तो इसमें कई सारे टाइप होते हैं, तो वो टाइप्स जो थे वो मैंने आपको बताया कितने केसेस ऐसे हो सकते हैं। पैसे की डिमांड पहले ना करना, बाद में कर लेना, ठीक है। आपको पहले दिखा रहे हैं कि लिस्टिंग जो आपको दिखाई जा रही है वो फेक है, वन लिस्ट दिखा रहे हैं, बाद में जाके आप वहाँ पर स्टॉक पूरा भरा हुआ है, तो इस टाइप का जो पूरा पैटर्न आप देखते हो ना, इसी को क्या बोलते हैं, डार्क पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जब भी जैसे साइबर सिक्योरिटी की बात कर लें या साइबर फ्रॉड्स की बात कर लें, ठीक है, तो इन सब टॉपिक में जब भी मेंस आंसर राइटिंग में आप कर रहे हो या फिर विज्ञान के ऊपर कोई निबंध लिखने को आया है, तो उसमें भी आप ये सारे टॉपिक्स को शामिल कर सकते हैं कि जो विज्ञान है किस तरीके से उसका गलत मिसयूज ये कंपनीज जो हैं वो करती हैं। उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मुख्य उत्तर परीक्षा में यूज कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे ये पूछ सकते हैं कि डार्क पैटर्न जो है एक्चुअली में क्या है। चार कथन आपके सामने दे देंगे, इनमें से कौन सा कथन परफेक्ट डेफिनेशन देता है डार्क पैटर्न की, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, चैट जीपीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। अब जहां पर भी एआई का मेंस आंसर राइटिंग आएगा तो वहां पर भी आप चैट जो जीटीपी है इसको जिक्र कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एआई की एक तरीके का एक एप्लीकेशन ये भी है, एक अनुप्रयोग होता है ना कि हम लोग अनुप्रयोग पढ़ते रहते हैं, तो एक अनुप्रयोग में चैट जीपीटी भी आप यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको देखते हैं, ये बेसिकली चर्चा में क्यों आया, क्योंकि अभी क्या हुआ, चैट जीपीटी बेसिकली ये है क्या, ये एक टाइप का चैट बॉट है, ठीक है। ये चैट बॉट जो है ना इसको बनाया गया है, इसको किसने बनाया, यहाँ पर आप कंपनी का नाम देख पा रहे होगे, ओपन एआई, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, 2015 में फाउंड इसको करा गया था। आज अगर इसके इन्वेस्टर की बात करें कि कौन कौन से बड़े महारथी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो एक सबसे बड़े प्लेयर का यहां पर नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी इन्वेस्टमेंट है इस ओपन एआई कंपनी में, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ओपन एआई का मतलब क्या हुआ। ओपन एआई का सीधा सा मतलब हुआ कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो भी एप्लीकेशन है, हमारी ह्यूमन लाइफ को कितना आसान तरीके से बनाई जा सकता है एआई का यूज करते हुए, वो इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है, इसी चीज पे ये काम करती है। डेरी जो हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं या फिर हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है उसको और इम्प्रूव और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जहां पर जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब होता है कि किस तरीके से आप जो हैं, कोई भी इंसान है वो कम से कम अपना इन्वॉल्वमेंट करके ज्यादा ज्यादा जो फीजिबल अपनी लाइफ को बना सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं इस रूम से बाहर निकलूं तो मुझे स्विच बोर्ड में लाइट्स ऑफ ना करनी पड़े, कमरे की लाइट्स अच्छा अपने आप ऑफ हो जाए, कैमरा अपने आप ऑफ हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की जो एक आसान लाइफ स्टाइल होती है, जो उसको किस तरीके से प्रोवाइड करा जाता है, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका पूरा दारमोदार किस पर रहता है, ओपन एआई पर, ठीक है। तो ये बेसिकली यही काम करते हैं, इन्होंने ही एक चैट बॉट बनाया। चैट बॉट का मतलब क्या होता है, चैट का मतलब क्या होता है, बहुत फेमस वर्ड है चैटिंग करना, चैटिंग करते हो आप किसी से, आप मेरे से कर रहे हो, आप किसी और से कर रहे हो, वो किसी और से कर रहा है, तो ये जो चैटिंग होती है किसी को मैसेज भेजना, इस तरीके की चैटिंग आप बॉट, यानी कि ये बॉट किससे बना हुआ है, ये रोबोट से बना हुआ है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए मैं और आप बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग दोनों ह्यूमन है, दोनों मानव है। अब मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूं, मशीन मुझे रिप्लाई कर रही है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये एक टाइप का चैट बॉट हो गया, चैटिंग चल रही है बट सामने वाला बॉट है, यानी कि रोबोट है, मशीन है। यहां पर जब इस चैट बॉट की बात करते हैं तो यहां पर बात करते क्या है, यहां पर बात करेंगे कि ये क्रिएटिव एक्सपीरियंस आपको देगा। क्रिएटिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि ये चैट जीपीटी करेगा क्या, बेसिकली ये ओपन एआई कंपनी ने एक ऐसा चैट बॉक्स बनाया, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया, इसमें आप बात करोगे और ये इंसान की तरह आपसे बात करेगा, क्रिएटिव बातें करेगा। क्रिएटिव का मतलब क्या है और अच्छे से समझाता हूं, देखो यहां पर जैसे होता है कि आप बात करते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस की, ये शब्द यहां इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब आप कहेंगे कि फॉलो अप क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको दिख रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉलो अप क्वेश्चंस, ठीक है। फॉलो अप क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो हम लोग जब स्कूल्स वगैरह में रहते हैं या कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं लैब वगैरह में, तो वहां से बाहर से एग्जामिनर आता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है, उस बेसिस पे हमको नंबर देता है। तो मान लीजिए कि आपका फिजिक्स का या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा है और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका आंसर दिया। अब अगर दो इंसान आपस में बात करते हैं तो
जो प्रश्न पूछ रहा है उसको पता है कि अब जो ये व्यक्ति आंसर देगा उसमें से और हम इसको कैसे पूछ सकते हैं, यानी कि उसी कन्वर्सेशन में, उसी बातचीत में से किस तरीके के काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई चैट जीपीटी के बारे में बताइए, आपने बताना स्टार्ट किया, अब आपको ये पता लगेगा कि प्रश्न पूछने वाले के जो प्रश्न से यह पता लगेगा कि अगला प्रश्न या इसी में से जुड़ा हुआ वो अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है। ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो अब आपको यह भी पता लगता होगा कि इसके बाद जो है इस टॉपिक के अंदर ये भी टॉपिक कवर होगा, तो ये भी बताया जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, फॉलो अप। जब आप ये अंदेशा लगा लेते हो, क्या अंदेशा, कि अब सामने वाला हमसे क्या पूछने वाला है या जो हम बता रहे हैं उसमें से क्या क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है, तो ये तो इंसान ही कर सकता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता, जहां पर इंटेलिजेंस की बात आती है, आईक्यू की बात आती है, तो वो तो इंसान के पास है। बट यहां पर बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना दी, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमने एक ऐसे चैटबॉट को दे दी, ऐसी मशीन लर्निंग, ऐसी कोडिंग कर दी उसकी, उसको ऐसे पैटर्न बता दिए कि जब मैं उससे बात कर रहा हूं ना, मैं उससे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मेरे को बताओ जरा कि जो रूस और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसका भारत की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने उससे प्रश्न पूछा, तो जब वो आंसर कर रहा है ना, तो मेरे प्रश्न से वो समझ जाएगा कि अब ये अगला प्रश्न क्या पूछने वाले हैं। मतलब कि जब कोई व्यक्ति आईआर का प्रश्न पूछ रहा, इसको इस तरीके से मत सोचना कि हो सकता है मैं पॉलिटी पूछ लूं, हो सकता है मैं ज्योग्राफी पूछ लूं, कहने का मतलब है उसको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर का प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब ऐसे कोई गेस करने लग जाए, और जब आप दूसरा प्रश्न उससे पूछेंगे, अच्छा अच्छा तुम ये बता रहे हो कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसके भारत की, भारत पे आर्थिक प्रभाव बड़ा नकारात्मक पड़ेगा, तो बताओ कैसे नकारात्मक पड़ेगा, तो अब अगला प्रश्न भी आपने उसी से जुड़ा हुआ पूछा, तो सामने वाले को ये चीज पहले से पता थी कि आप किस टाइप का प्रश्न पूछ सकते हैं। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं होगा, बट प्रश्न के चारों तरफ का जो एक डोमेन होता है वो उसको क्लियर हो गया। ये चीज इसके अंदर आ गई है फॉलो अप क्वेश्चंस वाली, कि अब काउंटर उसको क्या मिल सकता है। तो जब इतनी, और ये एक माइलस्टोन भी कहा जाएगा, मतलब कि ऐसी चीज कैसे कोई गेस कर सकता है, तो आप समझ पाओगे कि यहां पर कि उस जो ये चैटबॉट है ये एक तरीके का अपने आप में कृत्रिम मानव ही डेवलप कर दिया गया है। अब अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यहां पर प्रश्नों का उत्तर देना, ये तो मैंने बताया, और प्रश्नों के कैसे प्रश्नों के उत्तर देना, फॉलो अप क्वेश्चन यानी कि काउंटर क्वेश्चंस के आंसर करना, ये भी इसका एक बहुत बड़ा जो फीचर है। गलतियों को स्वीकार कर सकता है, अगर इसने कुछ गलत कर दिया तो सोचो कि इसको पता है कि गलती हो गई है, ठीक है, कई बार हम इंसानों को नहीं पता होता कि क्या गलती हो गई है, तो बात यह है कि यहां पर रोबोट को पता है कि उससे क्या गलती हो गई है, ठीक है। जो गलत अवधारणाएं होती हैं, मान लीजिए आपने एक, मतलब अतिशयोक्ति होगी, E is equals to MC square, आपने इसको बोला कि इस पे कुछ अपनी राय दो, हो सकता है कि इसके पास ऐसी चीजें इसको इसके पैटर्न में हो, इसके दिमाग में स्टोर करी गई हो कि वो ये प्रूफ कर दे कि ये इक्वेशन पूरी तरीके से गलत है, ऐसा प्रूफ कर दे वो। जो आपने कुछ डिमांड करी, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपने एलेक्सा का देखा होगा या सीरी देखा होगा, एलेक्सा की डिवाइसेज आती हैं अमेजोन की, तो ऐसे करके आप डिवाइस जो है वो ऐसे रखोगे अपने घरों में, ठीक है, आपने उससे कुछ पूछा, हेलो एलेक्सा कि प्लीज टेल मी द करेंट सिचुएशन ऑफ रूस एंड यूक्रेन वॉर, तो अब एलेक्सा जो है वो लगातार कंटिन्यूअसली इंटरनेट से कनेक्ट रहती, तो वो अपने इसी चीज को गूगल पे सर्च करके खुद से आंसर करती है आपको, तो ये भी तो एक टाइप का चैटबॉट है और वो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है, ठीक है, बट उसको ये नहीं पता कि आप अगला क्वेश्चन क्या पूछोगे, आप अगला क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो, यहां पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अब आपने मान लीजिए एलेक्सा से कुछ ऐसी गलत अनुरोध कर दिया या ऐसा अनुरोध कर दिया कि उसका आंसर उसको नहीं पता है, तो वहां पर भी जवाब वो मिलेगा आपको कि दिस इज नॉट माय इन डोमेन, ये वो, बट यहां पर क्या होगा, जब चैट जीपीटी की बात करते हैं तो ये अस्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि आप जो पूछ रहे हैं वो वैलिड क्वेश्चन है कि इनवैलिड क्वेश्चन है, तो इस टाइप का जजमेंट जो है वो एक मशीन कर रही है। अब यहां पर उसके जो और भी यूज की बात बताऊं, जैसे मैं यहां पर लिखा हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर में कोई पार्टी करनी है, तो वो पार्टी में आप क्या क्या चीजें करोगे, क्या क्या चीजें और अच्छी कर सकते हो, ये सब चीजें आप इससे पूछोगे, ये आपको बताएगा। अगर आपको बर्थडे पार्टी करनी है, कोई एनिवर्सरी की पार्टी करनी है, कुछ और भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो इसके बारे में बताएगा। आपको अपना CV बताना है, अपना रिज्यूम बनाना है, तो वो भी ये काम कर सकता है। आपको कोई मेल टाइप कराना है, तो वो भी ये काम करेगा आसानी से। इवन यानी कि जो कोडिंग करते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, कोड कोड लिखते हैं वो, कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे बनता है उसके पीछे की कोडिंग होती है,
तो ये जो कोडिंग होती है इसमें क्या क्या एरर्स आ सकती हैं उसको भी वो दूर कर सकता है, यानी डीबग कर सकता है। केवल एरर को पहचानना ही नहीं, उसको दूर करना, ये भी काम किसका हो जाएगा, ये भी काम जो है चैटबॉट वो कर सकता है। तो इतने टाइप के जो इंटरैक्टिव काम होते हैं, इंटरैक्टिव का मतलब है जहां पर जो हम हैं, हमारे सामने हमारी बातचीत हो रही है, ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं करने के लिए और वो कर रहा है, यही तो होता है इंटरैक्शन। तो इंटरैक्टिव जो फंक्शंस होते हैं वो ये रोबोट जो है वो अप्लाई करता है। जो निबंध की बात हो गई, होमवर्क हो गई, आपने इससे बोला कि भाई ये मेरा होमवर्क है, मुझे को समझ में नहीं आ रहा, बड़ा टफ लग रहा है प्रश्न जो है वो कैसे करूं, तो ये वो भी करके आपको बताएगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो चैट जीपीटी के होते हैं। यही मैंने आपको बताया चैट बॉट क्या होते हैं, जो ग्राहकों के साथ मानव की तरह बातचीत करते हैं, ठीक है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि बैंक्स वगैरह में ऐसे रोबोट्स होते हैं जो आपका सिंपल जो काम है वो कर सकते हैं, कि पासबुक की एंट्री करानी है या फिर मान लीजिए अपना अकाउंट बैलेंस चेक कराना है। आप जैसे रेलवे की साइट में बुकिंग कराने जाते होंगे तो एकदम से एक पॉप होता होगा, चैट ऐसा पॉपअप हो जाता है, चैट बॉक्स जो होता है, ठीक है, आस्क दिशा करके उसमें लिख के आता है कि आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रेन का स्टेटस क्या है या रिजर्वेशन में सीट्स वगैरह कितनी हैं, ये सब चीज़ें आप उससे पूछ सकते हो। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसको आप जैसे ही खोलोगे अपना एक पॉपअप ऐसा खुल के आ जाता है, उससे आप मशीन से आराम से बात कर सकते हो। बट उसके साथ क्या है कि वो मशीन को जो चीज़ें पहले से बता रखी हैं वही चीज़ें वो आपको आंसर करेंगी। ये मैंने जैसा आपको बताया था कि ओपन एआई जो है उस कंपनी की वेबसाइट से मैंने निकाला हुआ है। अब साफ साफ लिखा हुआ है कि एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि आरएनडी कंपनी है, एआई पर ही काम करती है। आवर मिशन टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, यानी कि मानव जाति को कितना बेनिफिट एआई के माध्यम से हो सकता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा अल्जाइमर ड्रग्स के बारे में। तो ये क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम क्या था। उसका नाम है लीसैनमैब, या लीकैनमैब भी कई लोग बोलेंगे, तो जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो, मेन उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए। जो लीसैनमैब है इसको बनाया गया है बेसिकली यूएसए के अंदर, और आप देखोगे लास्ट ईयर इसको बनाया गया था, तब इस पर ट्रायल चला था। अब जाके ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि देखिए न्यूज़ में पहले भी था, एक दो महीने पहले भी न्यूज़ में था। एफडीए ने इसको क्या दे दिया, अप्रूवल दे दिया, यानी कि अल्जाइमर ड्रग को अब यूएसए के अंदर इसको यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। और उस ड्रग का नाम याद रखिएगा लीसैनमैब, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। अब यहां से प्रीलिम्स के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो ये रोग और दूसरा इसका निवारण। तो यहां पर अब चूंकि कोविड आप देख ही रहे हो, तो यहां आप देखो इन चीजों से एक चीज और बताऊं साइंस टेक में, जैसे ही इन सब चीजों का आविष्कार होता है ना, तो ये मान लिया करो कि जो भी मानव रोग हैं, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी वगैरह में आप पढ़ते हो क्लास 9-10 की, या जो भी चीजों में आप साइंस का जो भी सोर्स फॉलो करते हैं, तो उस चीज में जो भी ह्यूमन डिजीजेस होती हैं, जो फेमस ह्यूमन डिजीजेस हैं, उनके बारे में अवश्य पढ़ लिया करिए। और इसको भी ना आप क्लासिफिकेशन करके पढ़ा करो, कौन सी जो रोग हैं वो वायरस के द्वारा होते हैं, कौन से जो जीवाणु के द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा, कवक के द्वारा कौन से रोग होते हैं, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन से रोग होते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैटेगराइज कर दो, हो सके तो अपनी कॉपी के एक पन्ने में एक जगह कहीं लिख लो कि वायरस के द्वारा या जीवाणुओं के द्वारा, और वहां पर एक लिस्टिंग कर लो। अच्छा ये होता है तो किस वायरस का नाम क्या है, एक दो कॉलम बना लो, एक तरफ लिखो रोग, दूसरी तरफ लिखो कि उसका वाहक कौन है या इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। इतनी तीन कॉलम तुमने बना लिए, तीन पन्ने तुम्हारी कॉपी के जाएंगे और तुम्हें ये जो पोर्शन है यानी कि मानव रोग का, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अल्जाइमर के बारे में। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि द हिंदू में भी इस टाइप का एक आर्टिकल निकला था अल्जाइमर को लेके, अब जाके एफडीए ने इसको क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया है। चलिए अल्जाइमर रोग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पहली चीज देखिए ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये शब्द निकला है न्यूरो से, और न्यूरो में क्या होते हैं, यहां पर होते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन से ही मिलके क्या बना हुआ है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, यानी कि हमारे ब्रेन्स के अंदर या पूरी बॉडी की अगर बात करें तो कोशिकाओं के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट कोशिका होती है, तो यहां पर न्यूरॉन्स होते हैं। अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे को कोई यहां पर छुएगा तो मेरे दिमाग में तुरंत समझ में आता है कि किसी ने टच किया, ठीक है। मैं अगर किसी भी डिवाइस को उठाऊंगा, अगर ये ठंडा है गर्म है, तो जैसे ही मैं इसको छू रहा हूं विद इन सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं और मुझे तुरंत ऐसे छोड़ दूंगा, अरे अरे बहुत गर्म है, अरे अरे बहुत ठंडा है ना, किसी ने मुझे मारा तो मुझे दर्द होगा तुरंत, विद इन मतलब मिली सेकेंड भी नहीं लगेगा, और ये मैसेज तुरंत मेरे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन वही हॉर्मोन्स जो है वो उसको रिलीज करता है जिससे हमारा जो रिएक्शन रहता है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को टच करते हैं, कोई भी हम, अब जैसे मेरा, मैं हाथ यहां कर रहा हूं, फिर हाथ यहां कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद पेन उठा के लिखने लगूंगा, तो ये सारी चीजें मेरे ब्रेन पे जाती हैं और ब्रेन से मेरे उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जाती है जिसको एक्टिवेट करना होता है।
अब मैं चाहता हूँ लिखना, तो उसके लिए मुझे पेन हाथ को अपने ले जाना पड़ेगा, पेन को ऐसे उठाना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा। तो ये जो मैसेज है ये मेरे ब्रेन तक गया, ब्रेन के ब्रेन ने इसको इंस्ट्रक्शन दिया मेरे राइट हैंड को कि इस पेन को पिक करो और इस तरीके से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। तो ये सब किसके द्वारा होता है? ये सब होता है न्यूरॉन्स के द्वारा। तो यानी कि न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं न्यूरॉन्स में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसी को क्या बोल देते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये स्वतः होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके ऐसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट करता है, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑटो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसको आप कह सकते हो, अल्जाइमर जो हमारा रोग होता है। अब बेसिकली अल्जाइमर, आपको सबसे अच्छा अगर इसका उदाहरण बताऊं तो आपने उरी मूवी देखी होगी, ठीक है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक वाली मूवी देखी होगी। तो उसमें जो हमारे हीरो साहब रहते हैं, तो उनकी जो माता जी रहती हैं, तो उनको क्या होता है? अल्जाइमर होता है। जब वो अपनी माता जी से मिलने जाते हैं तो एकदम से उनको याद नहीं आता है उनके बारे में। फिर वो उनसे पूछती हैं कि बेटा तुम कब आए, विद इन मिनट वो भूल जाती हैं, अरे तुम, उसने पूरा स्टोरी बताई कि हम कब आए, कब कैसे आए, फिर वो एकदम से भूल जाती हैं कि अच्छा बेटा तुम आ गए, कब आए तुम, फिर से वही प्रश्न पूछते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि व्यक्ति की जो मेमोरी है, जो उसकी याददाश्त है, वो क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अब याददाश्त कम हो रही है मतलब कि दिमाग से इसका रिलेशन है, यानी कि मस्तिष्क की एक बहुत भयावह बीमारी होती है। और वो बीमारी कैसे होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण। इस बीमारी के ना उत्पन्न होने का एक कारण होता है, वो कारण क्या है? वो है, इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमीलॉइड प्रोटीन। ये कैसा प्रोटीन है? एमीलॉइड प्रोटीन है। देखो सीधी सी बात है यार, हमारी भूख है चार रोटी की। अब तुम अगर चार की जगह आठ रोटी, दस रोटी खाओगे तो पेट खराब होना ही है। तो हमारे शरीर को ना एक लिमिटेड मात्रा में जो प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो चाहिए होते हैं। जो हमारे शरीर में खुद से भी स्त्रावित होते हैं वो भी एक लिमिटेड मात्रा में चाहिए होते हैं। बट कुछ केसेस के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है कि जब प्रोटीन्स जो हैं या कोई भी हॉर्मोन्स है एक्स्ट्रा स्त्रावित होने लगता है, जैसे अपेंडिक्स के बारे में आप देखते हो, जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको निकाल के बाहर करना पड़ता है, अदरवाइज वो शरीर के अंदर क्या करेगा? दर्द पैदा करेगा, है ना, घाव कर देगा, पस बना देगा। उसी तरीके से जो एमीलॉइड प्रोटीन होता है ना, ये जब बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में, जिसको बोलते हैं ना अत्यधिक मात्रा में, इसका स्त्रावित होता है ये, तो फिर ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए न्यूरॉन्स होते हैं, मैं इसका डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये आप देखोगे, ये एक हेल्दी न्यूरॉन है, ये अल्जाइमर डिजीज है, ये पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे यहां पर। तो यहां पर ये जो आप जड़ें टाइप की देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग डेंड्राइट्स भी कहते हैं। अब ऐसे ही एक न्यूरॉन है, मान लो ये जो मेरी उंगलियां, ये जड़ें हैं, ठीक है, दूसरा न्यूरॉन है, तो दूसरे न्यूरॉन की ये डेंड्राइट्स हैं, यही डेंड्राइट्स आपस में कनेक्ट होती हैं, तभी तुरंत एक से दूसरे मैसेज आता है। अब इससे तीसरी डेंड्राइट्स कनेक्ट होगी, इससे चौथी, इससे पांचवी, इस तरीके से पूरा एक जो जाल बन जाता है न्यूरॉन का, हमारे शरीर में जाल बना हुआ है, हर न्यूरॉन दूसरे से डेंड्राइट से कनेक्ट होता है। तो ये तो बात समझ में आती, तभी एक दूसरे को क्या बोलते हैं? संचार करते हैं, मैसेज यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे पूरा पूरा हमारी बॉडी में मैसेज फ्लो होता है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, इसकी ये डेंड्राइट है, इसकी डेंड्राइट है, दोनों कनेक्ट होते हैं। यहां पर अगर कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाए तो क्या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहां पे जो मैसेज है वो इसको मिल पाएगा? अब मैं लिखना चाहता हूं बट मेरा ये हाथ उठ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मैसेज ब्रेन तक तो जा रहा है, ब्रेन से मेरे हाथ में नहीं आ रहा, दिक्कत वाली बात है। ये दिक्कत आती क्यों है? दो व्यक्तियों के बीच में अगर दरार पड़ती है तो जाहिर सी बात है कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तभी ये होता है। तो यहां पर जो तीसरा व्यक्ति है वो और कोई नहीं, वो कौन है? वो है एमीलॉइड प्रोटीन। यहां पर एमीलॉइड प्रोटीन की अधिकता होती जाती है। अब यहां पर अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो इनकी डेंड्राइट्स आपस में कम्युनिकेट कर नहीं पाती हैं। तो इसी अधिकता के कारण, इसी एमीलॉइड प्रोटीन के कारण, अत्यधिक इसके निकलने के कारण, ये जो दो न्यूरॉन्स हैं ये आपस में संचार स्थापित नहीं कर पाते, और यही आगे चल के धीरे धीरे एक अल्जाइमर का रूप ले लेता है। अब हमारे ब्रेन की जो ये न्यूरॉन्स होते हैं या जो ब्रेन की सेल्स होती है ना, ये धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेमोरी लॉस हो जाना, भूलता जाना, निर्णय ना ले पाना, जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हो ये भी अल्जाइमर में होता है, उसका एक सिम्टम है कि आपको वर्ड्स नहीं आएंगे। आपको बोलना है राम इज अ गुड बॉय, आप बोल नहीं पाओगे। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछेगा और आपके क्या हालचाल हैं, अब मेरे हालचाल अच्छे हैं, आप ये सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा जिसको अल्जाइमर रोग है।
क्योंकि यहां पर ब्रेन पूरी तरीके से क्या करता है, काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा होता है। अब जो भाषा होती है, जो शब्द होते हैं, जो याददाश्त होती है, वो सब हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो भाषा वाला हिस्सा जब ब्लॉक होगा तो भाषा बोल नहीं सकेगा इंसान, वो शब्द नहीं उसके मुंह से निकल रहे होंगे, ठीक है। याददाश्त धीरे धीरे कमजोर हुई होगी, कोमा तक की सिचुएशन यहां पर होती है, ठीक है। तो इस तरीके का एमोलॉइड प्रोटीन जो होता है वो ये काम करता है। इसी के साथ साथ यहां पर एक और प्रोटीन है जिसका नाम है टाऊ, नॉट ताऊ, TAU ताऊ। ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन जो न्यूरॉन्स होते हैं ना इसको टैंगल्ड करने का काम करता है। देखो टी से टाऊ, टी से टैंगल्ड, ऐसे याद रखना। टैंगल्ड, टैंगल्ड का मतलब होता है उलझाना। क्या मतलब होता है इसका, उलझाना। उलझाने का मतलब है कि ये आपस में न्यूरॉन्स को उलझा देगा, उलझा देगा तो कम्युनिकेट करना वहां पर भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एक तो एमोलॉइड प्रोटीन हो गया, एक टाऊ प्रोटीन हो गया। तो दोनों प्रोटीन जो है वो हमारे ब्रेन की जो फंक्शंस होते हैं नॉर्मल उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, नेगेटिवली प्रभावित करते हैं। तो आप देखोगे यहां पर इस तरीके से जो एमोलॉइड प्रोटीन है उसके गुच्छे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से यहां पर कम्युनिकेट करना रोक देता है। एक ये आप देखोगे हेल्दी ब्रेन है और इसी तरीके का ये सीवियर जो अल्जाइमर डिजीज है उसके बाद यहां पर जो ये प्रोटीन जमता है ना तो धीरे धीरे वहां पर जो सेल्स होती हैं वो मरना स्टार्ट होती हैं। तो इस तरीके से खोखला हमारा ब्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके का जो डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं अल्जाइमर। इसकी कोई दवा अभी तक नहीं थी, ठीक है। ये होता है कि भाई कुछ दवाइयां मिक्स करके डॉक्टर्स देते हैं कि ये सही हो जाएगा या फिर इससे सही हो जाएगा, बट अभी जो लीसैन मैम मैंने आपको बताया तो इसने क्या करा था, इसको कुछ पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल करा गया तो 27% देखा गया कि जो पेशेंट को अल्जाइमर था तो 27% उनकी हेल्थ में, उनकी जो याददाश्त है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। इस वजह से FDA ने इसको अप्रूवल दे भी दिया गया। एक आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि इस दवाई का ऐसा नहीं कि निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट था कि 2 या 3 लोगों की शायद USA में जान भी चली गई थी, बट खैर जो पॉजिटिव रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ को अप्रूवल मिला है यहाँ पर। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें मैंने बताई। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी मेडिसिन है ये, ठीक है, एंटीबॉडी मोनोक्लोनल है। मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है, देखो एंटीबॉडी क्या होती है, जो प्रतिरक्षी दवाई होती है, एंटीबॉडी का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ही जो प्रोटीन है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, एंटीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फॉरेन से होते हैं। फॉरेन का मतलब है कोई वायरस जब हमारी बॉडी में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो एक एंटीजन होता है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी जो है खुद उस वायरस से या उस बाहरी जीव से लड़ने के लिए एक प्रोटीन तैयार करती है, तो उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, बट इसी एंटीबॉडी को जब हम लोग लैब में डेवलप करते हैं, ठीक है, मेरी एंटीबॉडी निकाली गई उस पर्टिकुलर वायरस के लिए जिसको टारगेट करना है, उसके लिए मेरी एंटीबॉडी निकाली गई और उसकी बहुत सारी कॉपीज लैब में डेवलप करी गई और एक बहुत बड़ी एंटीबॉडी की एक वैक्सीन बना दी गई, दवाई बना दी गई, तो इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल। मोनोक्लोनल का मतलब है कि एक ही वायरस को या एक ही बीमारी को टारगेट करने के लिए एक ही बॉडी के अंदर से एक टाइप की एंटीबॉडी निकाली गई। दो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं तो वो मोनोक्लोनल नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने बताया जो एमिलॉइड होता है वो जहां जहां पर इकट्ठा होगा तो ये जो लीकेन मैब है ना ये उसी एमिलॉइड को जाके टारगेट करेगी। अच्छा तुम यहां छुपे हो, तुम्हें मारेगी, फिर वो कोई ब्रेन पे यहां पर होगा, फिर यहां पे टारगेट करेगी, यहां पर होगा तो यहां टारगेट करेगी। तो जहां पर वो होगा कौन, एमिलॉइड प्रोटीन, तो उसको टारगेट करना ये पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। 6G टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए अच्छा आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली अभी हम लोग देख रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जो है, 5G है वो पूरी तरीके से नहीं आ पाया और यहाँ पर 6G की बात हो रही है। एक्चुअली में 6G के ऊपर क्या मुद्दा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर इन्होंने 6G में एक नई चीज़ को खोजा है। बेसिकली 6G है क्या, देखिए जब हम लोग 5G की बात करते हैं तो 5G की आप बात करो लेटेंसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। लेटेंसी रेट का मतलब होता है कि एक मैसेज यहाँ से चला और कितनी देर में वहाँ पहुँचा, तो बहुत कम टाइम, डिले टाइम बहुत कम होता है, स्पीड बहुत इनहेंस होती है। मैक्सिमम अभी तक जो 5G की स्पीड देखी गई वो GBPS की देखी गई है, 20 Gbps की, ठीक है। बट वही चीज़ 6G में देखी जा रही है टेरा में, यहां पे गीगा की बात हो रही है, टेरा में। गीगा से टेरा में आने के लिए 1024 के मल्टीपल में आना पड़ेगा, यानी 1024 गुना, तो इतनी हैवी स्पीड देखी जा रही है 6G में। बट 6G के साथ प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है,
दूसरा, जब 6G की बात करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, मैं आपका VLC, आपके बारे में ये लिखा हुआ है VLC, इसका फुल फॉर्म होता है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। इसको समझ लो आप। इसको समझने के लिए आपको मैं एक लाइन बताऊंगा, आपको लगेगा अच्छा ये वही है। हम लोग बात करते हैं वाईफाई की, और वाईफाई के बाद आया लाईफाई, है ना। कमेंट करके बताओ लाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, ये मत पूछ लेना मुझसे। तो लाईफाई, अब यहां पर लाई का मतलब यहां पर लाइट से है, विद्युत से है। अब सोचो आप किसी के घर जाते हो, ठीक है, अब आपको नेट यूज करना है, आप उससे पूछते हो भैया आपके यहाँ इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड लगा है, वाईफाई लगा है, आप बोलते हो वाईफाई लगा है, वो बोलता है हाँ वाईफाई लगा है। आप देखते हो एक जगह पर राउटर रखा होता है, ऐसा राउटर एक लगा होगा बड़ा सा, और लिखा होगा एयरटेल जियो कुछ भी होगा उसमें, है ना। तो उसका पासवर्ड लोगे और आप अच्छे से यूज करोगे, और उसमें एक एंटीना ऐसा लगा होगा, तो इसका मतलब वाईफाई यूज करना है, तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है यूज कर लो, चल रहा है। आप देखते हो चारों तरफ कहाँ कहाँ लगाए, राउटर कहाँ लगाए, मैं कहता हूँ नहीं राउटर नहीं, बल्ब लगाए ना बल्ब। आप कहोगे बल्ब लगाए मतलब ये जो डिवाइस लगी है एलईडी बल्ब लगा है, एलईडी लाइट लगी है, बेसिकली ये जो है ये इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करा रही है। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहां पर किसकी बात करते हैं, लाईफाई की। अच्छा, जब हम लोग कंप्यूटर के इंटरनेट की बात करते हैं, कंप्यूटर में किसी भी चीज की आप बात करोगे तो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं, जीरो या वन की, है ना। जीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन, पूरा कंप्यूटर इसी पे बेस्ड है। तो जीरो और वन, यानी कि अगर जीरो वन पे बल्ब भी काम कर रहा है तो जीरो पे उसको बंद होना चाहिए, वन पे ऑन हो जाना चाहिए। तो आपके मन में प्रश्न आएगा ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ये जीरो पर है कि वन पर है, तो कंटिन्यूअसली कि बल्ब जब जलेगा तो कंटिन्यूअसली लाइट चल रही है उसकी। तो इसके पीछे का भी लॉजिक है कि वो एक्चुअली में बंद हो रहा है, बट वो एक सेकंड में इतनी ज्यादा बार बंद हो रहा है कि आपको लग रहा है कि वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। वहां पर भी जीरो और वन बिट्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो उसी फॉर्म में हो रहा है जैसे नॉर्मल कंप्यूटर्स में होता है, बट वो आप देख नहीं पा रहे हो अपनी आंखों से, क्योंकि वो एक सेकंड में कितने मिलियंस बार हो जा रहा है। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी होती है, जब हम लाइट को इंटरनेट के लिए यूज करते हैं एज ए मीडियम, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। अब यहां पर 6G में क्या देखा गया कि बहुत सारी रेडियो वेव्स ऐसी होती हैं जो अनयूज्ड हो जाती हैं। अनयूज्ड का मतलब है जिसको हम लोग यूज नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में खो जाती हैं, वो वेस्ट हो जाती हैं। अब यहां पर करा क्या जाएगा, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने एक फंडा निकाला है, वो क्या करेगी, जैसे मैं हूं, ठीक है, एग्जाम्पल समझना, मेरे हाथ में ये घड़ी है, तो इस तरीके का एक गैजेट होगा, गैजेट, वो गैजेट बेसिकली बना होगा कॉपर से, उसके अंदर कॉपर की कॉइलिंग होगी। अब जो भी रेडियो वेव्स हैं, ऐसे क्या होता है, तुम्हारे घर के पास कोई टावर लगा होगा, उस टावर से तुम्हारे घर पे इंटरनेट कनेक्शन आता होगा या फिर केबल बिछी होगी उसके माध्यम से आता होगा। अभी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर जो रेडियो वेव्स हैं, मेरे हाथ में जो घड़ी है या मेरे हाथ में जो गैजेट बांध दिया जाएगा, कोई भी गैजेट हो सकता है, मेरे हाथ में कहीं पर भी बांधा जा सकता है, वो बना होगा बेसिकली कॉपर कॉइल से। वो क्या करेगा, आसपास की जो रेडियो वेव्स होती है ना, इनको डिटेक्ट करेगा, जो अनयूज्ड है, जो लॉस्ट हो जाती हैं, उनको डिटेक्ट करके, अब कोई भी इंसान होता है उसके अंदर हीट एनर्जी होती है, हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी होती है उसकी, उससे वो डिवाइस एक्टिवेट होगा, वो डिवाइस में जो कॉपर लगा है वो इन रेडियो वेव्स को एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने के बाद वो रेडियो वेव्स कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, वो रेडियो वेव्स एज ए इंटरनेट की तरह, एज ए हॉटस्पॉट की तरह आप कैसे भी यूज कर सकते हो। तो आप सोच के देखो कि जो टावर लगे थे आपके घर के बगल में मोहल्ले में बड़े बड़े से, वो सब क्या करते थे, वो सब सिग्नल्स ट्रांसमिट करते थे, वो एज ए एंटीना का काम करते थे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो चलता फिरते एंटीना की तरह काम कर रहा है, उसके पास भी रेडियो वेव्स हैं, अब वो रेडियो वेव्स एमिट हो रही हैं, अब वो जो रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है वो कोई व्यक्ति यूज कर सकता है या कोई और ऑफिस यूज कर सकता है। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, तब हम लोग बात करते हैं कहां पर ये आएगी, 6G के अंदर। स्पीड ऑब्वियसली मैंने आपको बताई टेरा में रहेगी, तो बहुत हाई स्पीड रहनी वाली है यहां पे, ठीक है। ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगी तो इनको फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी तो उस पर काम करेगा।
कैपेसिटी बहुत अधिक होगी, विलंबता जो लेटेंसी की बात कर रहे थे बहुत ज्यादा कम होगी। अभी एक फिगर से आपको दिखाता हूं, यहां पर एक फिगर, इसको ध्यान से देखो, ये 5G और 6G में अगर कंपैरिजन करके मैं बताऊं तो ये 10 Gbps की स्पीड है, यहां पर 1000 Gbps की स्पीड है। मैक्सिमम जो 5G की स्पीड अभी तक देखी गई है वो 20 Gbps के आसपास देखी गई है, और वही चीज 6G में 13 तक की यहां पर क्या करी जा रही है, एक्सपेक्ट करा जा रहा है इससे। अगर यहां पर कनेक्टेड डिवाइसेस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1 मिलियन की, यहां पर बात करेंगे तो 10 मिलियन की, 10 गुना अधिक। लेटेंसी रेट है यहां पर 5 मिलीसेकंड का, यहां पर केवल 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड हुआ नहीं कि मैसेज वहां पर पहुंचा, रुकावट है ही नहीं, इतना फास्ट नेटवर्क यहां पर डेवलप करा जा रहा है। जो मैंने आपको बताया था यहां पर कि ये जो आवृत्तियों का यूज करेगा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का, तो ये देखिए 24 GHz पे 5G फिनिश हो जाता है। यहां पर GHz तो छोड़िए, टेरा, और वो भी एक नहीं दो नहीं पूरे 3 THz, तो 3 THz तक की अपर फ्रीक्वेंसी यहां पर यूज करी जा सकती है। एक तरीके का ये देखिए इवोल्यूशन यहां पर मैं बता देता हूं आपको जल्दी से, थोड़ा सा सुन लीजिए। तो जब हम लोग 5G की बात करते हैं तो जब 1G, ये जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी, इस तरीके से पीढ़ियां चलती चली आ रही हैं। जब हम लोग 1G की बात करते हैं तो 1G में क्या होता था, आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऐसे गोल करके हम लोग घुमाते थे ना फोन, पुरानी फिल्में देखे तो उसमें आपको दिख जाएगा ऐसा गोल करके घुमाते थे, फिर किसी व्यक्ति से बात करते थे। तो ये क्या है, एनालॉग बातें हो रही है। एनालॉग का मतलब है कि तरंगों के माध्यम से बातें हो रही हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप बात कर सकते हो, मैसेज वगैरह तो भूल जाइए। धीरे से आता है 2G, यहां पर लिखा हुआ है टेक्स्ट मैसेजिंग। तो अभी यहां पर क्या है, आप बात कर सकते हो प्लस किसी को मैसेज भी कर सकते हो। पुराने वाले नोकिया वाले फोन याद रखिए, आपको याद होगा 1600 करके फोन आते थे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी, केवल टेक्स्ट आप भेज सकते हो। तो इस टाइप में यानी कि वॉइस तो 1G में आ चुका था, 2G में आपको टेक्स्ट मैसेज भेजने की आजादी हो गई। 3G आएगा तो बेसिकली 3G को यहां पर क्रांति बोला जाता है, क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन लाया। कैसा रिवॉल्यूशन लाया यहां पे, कि भाई यहां पर वायरलेस इंटरनेट पहली बार जो है कनेक्शन आप यूज कर सकते हैं, तो इंटरनेट आपके फोन पे आ गया। अब स्पीड जाहिर सी बात है उतनी बेस्ट नहीं होगी, बट पहली बार इंटरनेट जो है वो मोबाइल्स में आ रहा है, एक ही मोबाइल के अंदर आप बात भी कर पा रहे हो, इंटरनेट भी यूज कर पा रहे हो, बट एक साथ नहीं कर पा रहे हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक साथ का मतलब होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, उसी टाइम पे आपको कुछ गूगल पे सर्च करना है, आपको किसी को व्हाट्सएप करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम देखना है, आप कोई भी काम करना चाहते हो इंटरनेट का, तो वो आप बातचीत के साथ नहीं कर सकते थे 3G में। 4G में इसी चीज को और इनहेंस कर दिया गया। जैसे 4G में आपने टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा वोल्ट, है ना, 4G वोल्ट बात करते हैं, कमेंट करके बताओ वोल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। वॉइस ओवर, तो वॉइस ओवर का मतलब कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज भी कर सकते हैं। 5G ऑब्वियसली स्पीड को बहुत ज्यादा एनहांस करेगा, डाउनलोडिंग अपलोडिंग सबकी स्पीड एनहांस होगी, वीडियो कॉलिंग यहां पर ऐसी स्मूथली चलेगी, वीडियो आप देखोगे 1080 मेगापिक्सल के वीडियो आप देखोगे विदाउट बफरिंग। तो स्पीड और चूंकि AI आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब जाहिर सी बात है 5G और 6G की बात करेंगे तो यही जो जनरेशन है वो इन सब चीजों को जिसको बोलते हैं बिना रुके सपोर्ट कर सकती हैं। ये वाली जनरेशन तो नहीं कर सकती, क्योंकि हम जब AI की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने ChatGPT पढ़ा, तो जितना हम लोग AI के अंदर शोध करेंगे उतना हमको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। अगर इंडिया के टर्म्स में बात करें तो 2030 तक यहां पर 6G नेटवर्क लॉन्च होने की बात करी जा रही है, तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ठीक है। ये 6G टेक्नोलॉजी में एक और चीज मैंने PIB से निकाली है, 2021 में आपको पता होना चाहिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, कौन से मंत्रालय में आता है, संचार मंत्रालय के अंतर्गत, तो उसने एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप का निर्माण किया था, ठीक है। उसका बेसिकली काम ही यह था कि 6G पे इन्होंने काम करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो फैक्ट है, और प्लस 2030 तक 6G लॉन्च करने की जो बात कही जा रही है, ये दो फैक्ट आप मुख्य उत्तर परीक्षा में यूज कर सकते हैं। अब यहां पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विराम देते हैं, काफी ज्यादा डिस्कस कर दिया, मेरा उद्देश्य यही था कि आपको बेसिक से बेसिक चीज बताऊं, टू द पॉइंट बताऊं, बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपके लिए आगे की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। एनवायरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले करंट आपको बताना चाहूंगा, चीता पुनर्वास परियोजना 2.0। 1.0 में तो मैंने पूरा एक लेक्चर बना रखा है, आप जरूर जाके देखिएगा। 5G के ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी वाले यूट्यूब में, आप वहां पे डालोगे 5G बायजूस IAS हिंदी, मेरा वीडियो आएगा, पूरा 5G का वीडियो देखिएगा, एक एक चीजें मैंने वहां क्रिस्टल क्लियर कर दी है। उसी तरीके से जो चीता पुनर्वास परियोजना है इसके ऊपर भी आपको एक्सप्लेन सीरीज में मेरा वीडियो मिलेगा, आप वहां पर डाल सकते हो चीता एक्सप्लेन बायजूस IAS हिंदी, आपको वीडियो मिलेगा, जरूर से जरूर देखिएगा। तो पहले वाले प्रोजेक्ट के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सारी चीजें मैंने वहां पर आपको समझाई हैं। अब
2.0 की यहां पर बात करेंगे तो 2.0 ऐसा बोला जा रहा है कि जनवरी 20 तक जो सेकेंड बैच चीता का आना है वो आने वाला है। और आप इस बार कहां से आ रहा है, साउथ अफ्रीका से। पहला वाला कहां से आया था, नामीबिया से, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनवरी 20 तक की बात हो रही है, तो ये द मिंट का एक आर्टिकल था, तो मैंने सोचा था इसको आपको एक बार बता दूंगा। अब यहां पर जो टोटल चीते आएंगे वो कितने आएंगे, 12 चीते आएंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, अराइव इन इंडिया जो सेकेंड बैच है उसमें आएगा। जो ये तो बात हो गई 2.0 की, तो इसमें जो पहला रीइंट्रोडक्शन चीता का प्रोजेक्ट था तो उसमें आपको पता होना चाहिए था कि 8 अफ्रीकन चीता आए थे, अफ्रीकन आए थे, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एशियन अफ्रीकन। एशियाटिक चीता की बात करेंगे तो वो कहां पाए जाते हैं, ईरान के अंदर, बट वो बहुत कम मात्रा में है, 40-60 केवल संख्या उनकी रह गई है, तो ईरान ने देने से मना भी कर दिया था, खैर तो वो एक अलग मुद्दा है। तो यहां पर हम उनको नहीं लाए हैं क्योंकि ऑलरेडी उनकी संख्या बहुत कम है। यहां पर हम लोग लाए किस चीते को है, अफ्रीकन चीते को, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करी जाए तो 1952 से हमारे देश में चीते जो है पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके थे, ठीक है। कौन से नेशनल पार्क में इनको रखा गया है, कूनो नेशनल पार्क, कहां पे है ये, मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे तेज, बचपन से सुनते आ रहे हैं सबसे तेज कौन दौड़ता है, चीता। अगर किलोमीटर पर आवर की बात करें तो 120 km/h की इसकी टॉप स्पीड रहती है, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि ज्यादा दूर तक इतनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं मगर जो स्पीड होती है बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चित्रक शब्द से हुई है, चित्तीदार, इनके आपने देखा होगा कि येलो कलर में से ब्लैक कलर के स्पॉट्स बने होते हैं, तो इस वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, चीता नाम पड़ गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि अगर सबसे पहली बार प्रूफ की बात करोगे तो यहां पर जो सोमेश्वर थर्ड है, सोमेश्वर थर्ड कौन से थे, चालुक्य, ये राजा है, ठीक है। तो इनका एक मतलब ग्रंथ है मानसोलास, इसके अंदर पहली बार चीता का जिक्र यहां पर मिलता है। अब हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया दो टाइप के चीते पृथ्वी पर पाए जाते हैं, एक अफ्रीकन और एक एशियन। 1952 से पहले जो इंडिया के अंदर चीते थे ना, वो कौन से थे, वो एशियन चीते थे, और वही विलुप्त हो गए। अब वो बचे हैं केवल ईरान के अंदर। अफ्रीकन चीते की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपको नाम पता होना चाहिए, एसिनोसिक्स जुबैटस, ये इनका नाम होता है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वल्नरेबल, ठीक है। आईयूसीएन का जो स्टेटस है उसके अंदर में इनको वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। अभी इनकी संख्या जो है वो थाउजेंड्स के आसपास है, तो हालांकि ऐसा नहीं कि इनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ही आपको ये चीते मिलेंगे, आईयूसीएन का स्टेटस वल्नरेबल है और एसिनोसिक्स जुबैटस नाम है इनका। वहीं एशियाई चीते की बात करेंगे तो यहां तक तो नाम आपको पता था, इसके आगे वेनाटिकस, वेनाटिकस जब आप ऐड कर देते हो तो वो एशियन चीते की बात करते हो। भयानक इनकी स्थिति खराब है, क्रिटिकली इनडेंजर्ड यानी कि अति संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटाग्रस्त श्रेणी में है, क्योंकि कुछ 50 या 60 के अराउंड चीतों की संख्या ईरान में आपको देखने को मिलेगी। अफ्रीका चीता की तुलना में ये छोटा होता है देखने में, ठीक है। 40-50 मैंने आपको बताया कि ईरान में ही यहां पर केवल पाए जाते हैं। एक टॉपिक यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, ग्राउंड वाटर ईयर बुक। देखो ये क्या है ना, ये 2021 की ईयर बुक है, उसके बारे में ये को रिलीज करा गया है। और बेसिकली जैसे आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर पर्यावरण को लेके यूपीएससी बहुत प्रश्न पूछता है, और जब भूमि जल के प्रबंधन की बात होती है तब तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जुड़ाव हो जाता है मानव के स्वास्थ्य से। एक तो पानी की समस्या ये रहती है, ठीक है, पानी की समस्या का मतलब है भूजल की समस्या, और जो भूजल बचा है अगर वही दूषित हो जाए तब तो ये और ज्यादा स्थिति भयावह हो जाएगी। तो ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, ग्राउंड वाटर ईयर बुक, ठीक है। ये जो ग्राउंड वाटर ईयर बुक रिपोर्ट है ना, इसमें अब देखो यहां पे प्रारंभिक परीक्षा में करा, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, प्री और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेगा, प्रारंभिक प्रश्न बनेगा कि ऐसे लिखेंगे कि रिपोर्ट में, हाल ही में जो रिपोर्ट प्रदर्शित हुई थी उसमें 12 इंडियन स्टेट्स फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड विद यूरेनियम। यहां पे कोई हल्के फुल्के मेटल की बात नहीं हो रही है, यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम की बात हो रही है, ठीक है। 12 इंडियन स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो ग्राउंड वाटर, ठीक है, वहां पे इससे दूषित पाया गया यूरेनियम से, तो बहुत चिंताजनक ये टॉपिक है। सबसे ज्यादा अगर कोई कंटेमिनेटेड है यूरेनियम से तो वो है पंजाब स्टेट। पंजाब स्टेट में देखा गया सर्वे के दौरान कि अगर 10 कुओं का सर्वे करा गया तो 10 कुओं में से 3 कुएं जो थे उसमें यूरेनियम
है पंजाब के अंदर। अब देखिए आप बोलोगे यूरेनियम जो है वो पंजाब में या फिर कैसे वहाँ पर पहुँच रहा है। देखिए क्या होता है ना, एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, चीज़ें होती हैं बाई कार्बोनेट, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपने नाम सुना होगा जिसको चूना पत्थर बोल देते हैं, लाइम स्टोन बोल देते हैं, तो इस तरीके के जो भी बाई कार्बोनेट केमिकल्स होते हैं ये जब भी यूरेनियम के साथ या यूरेनियम जिन चट्टानों में मिलता है, अब बेसिक यूरेनियम की बात करिए, ठीक है, तो अगर इनके साथ दोनों का जुड़ाव होता है तो यूरेनियम को वो उस चट्टान से पैक कर लेता है, पैक कर लेता है, और वही चीज़ें जाके जब हमारे जल में घुलनशील हो जाती है तो वो जल से पीने लायक नहीं हो जाता, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अल्फा बीटा गामा रेज हैं उसमें, ठीक है, भले ही वो एक्टिव नहीं है, उसमें रेज नहीं निकल रही होंगी, बट वो है यूरेनियम तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके द्वारा, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल बोर्ड जो होता है हमारा, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ये भी काम बता दिया। अच्छा जब बात करी जाती है चेक कैसे करते हो भाई, तुम कैसे बताते हो कि इस वाटर में ये वाटर कंटेमिनेटेड है, ये प्रदूषित है, तो यहाँ पर जो BIS है, ठीक है, और जो WHO है उसमें एक सीमा बना रखी है 30 PPB की सीमा, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होगा ना तो यानी कि आपका जो ग्राउंड वाटर है उसमें यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में वो अब पीने लायक नहीं बचा है। अगर यहाँ पर स्वास्थ्य की बात कर लें तो देखो सबसे बड़ी बात जो रीनाइल फंक्शन है या जो किडनी है, सबसे यार मेरे को बताओ किडनी का बेसिक काम क्या होता है, जो हमारा लिक्विड होता है हमारी बॉडी को, हम जो भी पानी पीते हैं, कुछ भी हम लोग लिक्विड ग्रहण करते हैं तो उस पानी को साफ करते हैं, तो बेसिकली पानी में रह कौन है, किडनी, तो जो चीज़ के साथ डीलिंग कर रही है अगर वही चीज़ प्रदूषित है तो ये तो खराब होने के काम सबसे पहले हो जाते हैं, ठीक है। बोन्स और लीवर्स, एक बार किडनी डैमेज होती है तो किडनी कई सारी चीज़ों से हमारी बॉडी से कनेक्टेड होती है, तो बोन्स को लीवर्स को इनको भी डैमेज करना स्टार्ट करेगी। अब चूंकि ये है क्या, रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो कैंसर के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इनको भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताई गई हैं इम्पॉर्टेंट कि ऐसा ये हो सकती हैं। अगर यहाँ पर बात करी जाए कि ये बढ़ता कैसे है, मतलब कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना ये कैसे वाटर में पहुँचते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, बाई कार्बोनेट जो होता है अगर ये उस चट्टान में है और उसमें यूरेनियम है तो ये उसको रिएक्ट कर देगा, उससे बाहर निकाल देगा और फिर ये पानी के माध्यम से रिश्ते वर्षा का पानी रिश्ते जाता है, उससे चट्टानों से रिश्ता हुआ ये ग्राउंड वाटर तक पहुँचता है। या फिर जो मानव जनित गतिविधियाँ होती हैं, अब वो कैसे हो सकती हैं कि ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सट्रैक्ट कर लिया, ओवर एक्सट्रैक्ट अपना ग्राउंड वाटर निकाल लिया, अब ग्राउंड वाटर में जो वाटर बचा है वो जाहिर सी बात है कैसा बचेगा, पॉल्यूटेड वाटर बचेगा। दूसरा जो नाइट्रेट पॉल्यूशन है, भाई हम लोग खेती करते हैं, सरकार बोलती है, बहुत लोग बोलते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज आप कम से कम करिए, बट अगर नहीं होता है, इस बात को नहीं माना जाता है, रासायनिक खाद वहां पर यूज करी जाती है, तो वो क्या करेगी, वो रासायनिक खाद आपने खेत में डाली, सिंचाई के माध्यम से जो पानी बह के आ रहा है, वर्षा हुई तो पानी बह के आ रहा है खेत से, तो उस पानी में क्या है, नाइट्रेट है, तो वो नाइट्रेट बहता बहता कहाँ पर आएगा, वही पानी जब रिस्क ग्राउंड वाटर में पहुंचता है तो वही रसायन कहाँ पहुंच जाएगा, ग्राउंड वाटर में, भूजल में, तो वो उसको भी क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। ये अगर आप देखोगे इस मैप को तो इस मैप में आप देख पाओगे ये जो रेड कलर से साइन बने हुए हैं ये वो सारी जगह पर हैं जहां पर जो यूरेनियम है वो पाया गया। आप सोच के आप देखो कि कितनी बड़ी मात्रा में यहां पर यूरेनियम जो है वो ग्राउंड वाटर में मिला है, टोटल कहां पर 16 स्टेट्स में, ठीक है। अगर स्टेटस की बात करें तो कितने रसायन जो हैं वो कौन कौन से स्टेट में पाए जाते, ये देखिए इस पे प्रश्न नहीं बनेगा बट मेंस आंसर राइटिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऐसे यूज कर सकते हो कि जो नाइट्रेट है वो 386 जिलों में उनके भूजल में नाइट्रेट की मात्रा पाई जा रही है, फ्लोराइड जो है ये रसायन कितने जिलों में है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, चलेगा एक आप ओवरऑल नजर डालोगे तो जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, प्लस जैसे 300 के ऊपर जिले हैं तो ऐसे लिख सकते हो 300 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा जो है वहां पर नाइट्रेट की उपस्थिति पाई गई है उनके जलों में, तो यहां पर ये चिंताजनक विषय बहुत ज्यादा हो जाता है जो रिपोर्ट आई है, ठीक है। चलिए तो आज मैंने आपको 6 टॉपिक बताए जहां पर हम लोगों ने 4 टॉपिक चर्चा करी थी साइंस टेक से और 2 टॉपिक हम लोगों ने पर्यावरण से चर्चा करी। तो ऐसे ही हर 15 दिन में आपके लिए कोशिश होगी कि जो उस 15 दिन का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का करंट अफेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा हो चाहे वो मेन्स उत्तर राइटिंग से जुड़ा हो, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा हम आपके लिए लाने का प्रयास पूरी तरीके से करेंगे। बट आप जो हैं
वीडियो को पूरा देखेंगे हमेशा, जब भी वीडियो लाइव आएगा वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, दो प्रश्न मैं यहां पे लाया हूं, जितना हम लोगों ने पढ़ा कमेंट करके जरूर उसका उत्तर करिएगा, हो सके तो एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। चैट जीपीटी गूगल द्वारा वित्त पोषित एआई संचालित प्रणाली है। लैकोन मैब एक अल्जाइमर दवा है जिसे बीमारी ठीक करने के लिए एफडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है। डार्क पैटर्न वेब पर उपलब्ध दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोड को संदर्भित करता है। भारत ने दूरसंचार विभाग के तत्वाधान में 6G के लिए नवाचार समूह की स्थापना करी है। ये आपके सामने ऑप्शन है, इसको करने का प्रयास करिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। नाइट्रेट प्रदूषण यूरेनियम प्रदूषण के संकेतक के रूप में काम करता है। भारत ने सितंबर 2022 में एशियाई चीतों का पहला बैच पेश किया था। भूजल के संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना पूरे देश में लागू की जा रही है। यह आपके सामने ऑप्शन है, इसको करने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, एक मैं प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, कमेंट करके उसका भी उत्तर बताइएगा कि अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा अल्जाइमर रोग के बारे में, एक अल्जाइमर रोग से जुड़ा हुआ, अब कैसे जुड़ा है ये मैं अगले सत्र पे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मगर आप तब तक इसके बारे में सर्च करेंगे। यहां पर बीमारी है डाउन सिंड्रोम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाउन सिंड्रोम आपको इसके बारे में पढ़ना है। कमेंट करके बताइएगा डाउन सिंड्रोम बीमारी क्या होती है, और अगर ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका अल्जाइमर के साथ क्या जुड़ाव है, तो मैं आपके कमेंट को अगले सेशन में सबके सामने पब्लिकली पढ़ूंगा, ठीक है। तो आज के सत्र में बस इतना ही, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। मैंने कोशिश पूरी करी है कि बेसिक से बेसिक आपको जो संदर्भ था, जो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट थे, वो आपको समझा सकें। अगले सत्र फिर से मुलाकात होगी, ये वाला पढ़ाई करते रहेंगे, माता पिता का बहुत ख्याल रखेंगे, आप बहुत